ज़मीन का बंटवारा हुआ, धरती दो हिस्सों में तकसीम हो गई, लकीर खींची गई तो उधर की चीज़ें उधर और इधर की चीज़ें इधर, कहीं बाड़ लग गई, कहीं दीवार बन गई और कहीं चंद ईंटें लगाकर लकीर खींच ली गई। ये पाकिस्तान और भारत की सरहद है। यूं तो यहाँ सड़क पर बैरियर लगाकर हदूद कायम की गई हैं, मगर इसके दाएं बाएं ईंटों की मदद से लकीर खींचकर सरहद बना दी गई है। यानी ईंटों की इस लकीर के दाएं जानिब पाकिस्तान और बाएं जानिब हिंदुस्तान, यानी ईंटों के इधर की तमाम चीजें पाकिस्तान की और उधर की तमाम चीजें हिंदुस्तान की। बंटवारा तो यूं ही होता है, मगर ये दरख्त किसका है, पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का? ये बूढ़ा दरख्त ना जाने कब से पहचान का मुंतजर है, जो ना पूरा पाकिस्तानी है और ना पूरा हिंदुस्तानी। ये दरख्त आधा पाकिस्तान में है और आधा हिंदुस्तान में। ईंटों की लकीर इसी दरख्त में आकर जम हो जाती है और ये दरख्त ना जाने कब से इस लकीर के आगे सीना तान के खड़ा है। सवाल ये है कि ये दरख्त पहले जवान हुआ और बंटवारा बाद में हुआ, या फिर बंटवारा हो जाने के बाद ये ऐन लकीर के ऊपर पैदा हुआ और यही पल भरकर जवान हुआ। दिलचस्प बात यह है कि सरहद के उस पार आपको 917 नंबर की एक बुर्जी नजर आएगी, जबकि 919 नंबर की एक ऐसे ही बुर्जी पाकिस्तान की साइट पर भी देखी जा सकती है, मगर 918 नंबर की बुर्जी गायब है। गौर करने और वहां के पुराने लोगों के बताने पर पता चलता है कि 918 नंबर की इस बुर्जी को ये दरख्त अपनी लपेट में ले चुका है, बल्कि अपने पेट में जगह दे चुका है। 918 नंबर की ये बुर्जी दोनों मुल्कों की बाउंड्री का तय्युन कर रही थी और अब ये जिम्मेदारी ये बूढ़ा शजर सर अंजाम दे रहा है। इस लकीर की दूसरी जानिब भी ज्यादातर तो मुसलमान ही बसते हैं, वो लकीर तो अबूर कर नहीं सकते, मगर लकीर की दूसरी जानिब से हाथ हिलाते, हाथ मिलाते और जी बहलाते हैं। भारत की जानिब से इस बाउंड्री पर अपने परचम के साथ इकबाल का ये मिसरा दर्ज है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जबकि हमारी जानिब से इसका जवाब यूं दर्ज है, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा।